अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नूर व्लॉग्स इन इंडिया। और कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। और आज 2 साल के बाद, मतलब लॉकडाउन के बाद 2 साल के बाद हम अच्छे से शॉपिंग कर पा रहे हैं। और अभी दोपहर के बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं और काफ़ी गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो बस हम जा रहे हैं बड़ी, हम बड़ी से शॉपिंग करेंगे। और मैं बड़ी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मतलब शॉपिंग के लिए, कपड़े के लिए। मैं वैसे जाती हूँ बट मैंने कपड़ा वहाँ से कभी नहीं ख़रीदा है। तो अब हम जाके देखेंगे वहाँ पर कपड़े कैसे आए हैं। वैसे आपके कपड़े तो बहुत आए हुए हैं और महंगे भी बहुत हैं। और ये लीजिए, हम बड़ी पहुंच गए हैं और मैं जाऊंगी मोदी नंबर 2 गली जो बोलते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारी गलियाँ हैं, तो मैं मोदी नंबर 2 में जाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ। वैसे ना रोज़े की हालत में शॉपिंग करना बहुत भारी पड़ता है, ख़ासकर दिन में। और हम भी वही 3:30 बजे के करीब निकले हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, अलग सूख गई है। और हम पहुंच गए मोदी नंबर 2 गली में। ये देखिए, यहाँ पूरी लाइन से आपको शॉप मिल जाएंगी और यहाँ पे हर टाइप के, मतलब आपको हर चीज़ मिल जाएंगी, ज्वेलरी से लेके शूज़ और घर के सामान, बैग्स वगैरह सब मिल जाएगा। तो ये देखिए, आपको सारे लाइन से यहाँ पे, और छोटी छोटी सी गली होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, बारीक गली होती है। और उसके आमने सामने आपको काफ़ी सारी दुकान मिल जाएंगे। यहाँ इतना रश होता है ना कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। और हम संडे को आए हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब रश बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको हर टाइप के ड्रेस भी मिल जाएंगे, वेस्टर्न से लेके इंडियन, हर टाइप के मिल जाएंगे आपको, शलवार कमीज़, वेस्टर्न, हर टाइप के मिल जाएंगे। वैसे मार्केट में ना अभी बहुत ज़्यादा कलेक्शन आए हुए हैं। 2 साल के बाद देखा जाए तो पूरा मार्केट खुला है और बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, सब एक से एक है और रेट भी बहुत ज़्यादा है। और अब हम ये शॉप में जाएंगे, यहाँ के इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो अब हम अंदर जाके देखेंगे। और हम पहुंच गए हैं दुकान ऊपर और यहाँ पे इतने सारे कलेक्शन है ना, बहुत ही। और पता है रेट बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, मतलब आपको 5000 के अंदर सारे ही ड्रेस मिल जाएंगे, मतलब हैवी ड्रेस में आपको मिल जाएंगे। मतलब मुझे जो जो अच्छा लग रहा था ना, मैंने एक एक थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल दी हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे ड्रेस 3500-4000 की रेंज में है, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस है। मैं आपको 1 बाय 1 सारा दिखाऊँगी, तो आप देखिए। अगर देखा जाए ना तो ईद के लिए और शादियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हैं। ईद बाद से तो इतनी शादियां हैं कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा शादियां हैं। तो उसके हिसाब से अगर आपको ड्रेस चाहिए ना तो देखिए, आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस हैं। और कुछ ड्रेस तो इतने प्यारे थे ना कि मैंने उसे खुद के ऊपर ट्राई करके देखा था। ये देखिए, मुझे इतना पसंद आ रहा था ना, मुझे 2-3 ड्रेस बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने इसके खुद पे ऐसी आँख पिला के देखा था और सच में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखिए, इसमें कलर कितने प्यारे प्यारे, कितने प्रिटी प्रिटी कलर है, बहुत अच्छे अच्छे कलर है। और ये कुछ ड्रेस है जो पैंट स्टाइल ड्रेस है, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस हैं इनके पास। मतलब सारे ही ड्रेस इनके पास, कलेक्शन बहुत अच्छे थे कपड़े के, यानी कि एक सारे ही ड्रेस जो दिखा रहे थे ना अंकल, सारे बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस थे। मैं आपको दिखाऊंगी 1 बाय 1, बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन थे, ऐसा लग रहा सारे ही ले लो, बट मैं इसमें से ही कुछ लूँगी। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे ईद के लिए खास करके,
वाइट कपड़े, ये भी ऑफ वाइट में था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, क्रीम टाइप में था, ऑफ वाइट में नहीं था, क्रीम टाइप में था। इसमें जो दुपट्टा था ये भी कितना प्यारा लग रहा है। और अभी ये जो सब जो कुर्तियां हैं ना, ये सब जो दिख रहा है आपको ड्रेस, कुर्तियां नहीं है मतलब दुपट्टे के साथ भी है कुछ कुछ ड्रेस, और कुछ पैंट के साथ भी है। तो ये सब आपको 1000 के अंदर मिलेगा, मतलब इनके पास बहुत अच्छे कपड़े थे, कलेक्शन बहुत सारे थे और रेट भी रीज़नेबल था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको बताऊंगी इनकी शॉप कहाँ है, उन शॉप का नाम क्या है, मैं आपको सब बताऊंगी। और ये जो नीचे साइड हम उतर गए थे, तो ये नीचे पूरे बच्चों का था, तो यहाँ से मैंने अपने दो बेटों के लिए लेते, हमज़ा के लिए और हसन के लिए, मैंने यहाँ से ये दोनों के लिए एक एक कोट लिया था, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स में अभी शादी है। और ये मैंने एक बेबी का फ्रॉक लिया था, मेरी सबसे छोटी सी सिस्टर है, मेरी सबसे छोटे वाले चाचू की, तो वो बहुत छोटी सी है, वो 3 साल की है, तो मैंने उसके लिए भी एक ड्रेस लिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और बस अब हम यहाँ से जा रहे थे। और मैं आपको बताऊँगी इनके शॉप का नाम, और फिर नेक्स्ट डे हम और शॉपिंग किए थे, तो बट मैंने वो वीडियो क्लिप नहीं डाली हूँ, बस मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी कि मैंने कौन कौन सा ड्रेस लिया है, तो अभी आपको देखने को मिलेगा। ये रही उनकी शॉप, बहुत अच्छी, मतलब उनके पास कलेक्शन बहुत अच्छे है, तो आप ज़रूर यहाँ, अगर नागपुर से हो तो ज़रूर यहाँ पे आइए। और ये है उसके दूसरे तीसरे दिन की क्लिप है। मैं मार्केट गई थी और मैंने कुछ बैंगल्स वगैरह ख़रीदे हैं, मतलब मुझे ज्वेलरी चाहिए थी, तो ये देखिए कुछ इस तरह की, पूरा मार्केट भरा हुआ है ज्वेलरी से, मतलब पूरा इस टाइप का, मतलब पार्टी वेयर जो थोड़ा सा ज्वेलरी रहती है उस टाइप का ही। और ये वाली जो है अभी कुछ मोती में चल रही है, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए फ्लावर, बड़े बड़े फ्लावर बने हुए हैं पूरी मोतियों से, मतलब बड़ी बड़ी इयररिंग अभी निकली है, मोतियों के बैंगल्स भी निकले हैं, तो मैंने यहाँ से एक वो भी ख़रीद लिया था, इयररिंग भी ख़रीद ली थी। और ये रही इनकी शॉप, ये मैं जरीपट का गई थी, तो ये वहाँ का है, या मैं रात में गई थी, जब का है। ये देखिए मार्केट क्या ऐसा पूरा भरा हुआ है कपड़ों से, और शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।